मैं स्प्राउट्स की सैलड बनाने जा रही हूँ और ये दाल हरी साबुत वाली मूंग की दाल जिसको मैंने 2-3 पानी में वॉश कर लिया है और अब इस पानी को मैं निकाल दूंगी। अच्छे से वॉश कर लिया है, दाल को मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था ताकि ये दाल फूल जाए। अब ये दाल अच्छे से फूल गई है और इसको पानी से निकाल के अब इस दाल को मैं स्प्राउट मेकर में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको कवर कर देंगे। मैंने तो स्प्राउट मेकर में डाला है, आप चाहो तो इसको एक सूती कपड़े में भी बांध सकते हो। अब इसमें 8 से 9 घंटे टाइम लगेगा, उसके बाद स्प्राउट अच्छे से बनकर रेडी हो जाएंगे। हमारे स्प्राउट अब रेडी हो गए हैं, एकदम अच्छे से फूल गए हैं और अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल के गैस पे स्टीम लगा लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा बॉयल होने पर हम इसको हमारे स्प्राउट्स स्टीम हो गए हैं और अब इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। मैंने खीरा काटा है, प्याज और एक टमाटर काटा है और एक नींबू लिया है। अब मैं थोड़ा सा प्याज डालूंगी इसमें, थोड़ा सा खीरा और एक टमाटर। और एक नींबू डाल दूंगी इसमें मैं, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारी स्प्राउट सैलड तैयार हो गई है और ये प्रोटीन का रिच सोर्स है।